गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई है। मध्य से 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालने, 16 फरवरी को छोटू राम की जयंती पर समारोह मनाने और 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जीविका को बचाने की लड़ाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए वे आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति में जुटे हैं, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को प्रेस वार्ता कर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जिन किसानों को पुलिस ने नोटिस दिए हैं, वे सीधे पेश नहीं हो सकते, इसलिए वे मोर्चा द्वारा गठित कानूनी तरीके से संपर्क करें। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।